हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल डूइंग मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर टेन दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो आज हम करने वाले हैं एन रीडिंग इस चैप्टर की माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी दैट वॉज अबाउट द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जिसमें मैंने आपको एलेक्जेंडर फ्लैमिंग सर के बारे में कुछ बातें बताई थी ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले हम जानेंगे कि जो माइक्रोब्स है वो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जैसे कि कर्ड हो गया ठीक है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अल्कोहल ठीक है ये सभी माइक्रोब जो है इनमें मदद कैसे करते हैं ठीक है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं तो कैसे करते हैं सेकेंड है इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं ये सभी मैं आपको पढ़ाऊँगी देन वी विल टॉक अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के बारे में ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड देन बायो कंट्रोल एजेंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनफैक्ट हर एक टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है सीवेज ट्रीटमेंट का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है माइक्रोवस बायो फर्टिलाइजर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो लेट्स गेट स्टार्ट विद चैप्टर बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रोप्स आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ ठीक है माइक्रोस्कोपिक हमारे पास जो सॉरी माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े 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 हमारे पास जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं है ना उनके अलावा माइक्रोब्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या हैं माइक्रोब्स हैं ठीक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रखा है हमने वहाँ पर बताइए मुझे किस किंगडम से माइक्रोब्स बिलोंग करते हैं तो किंगडम है क्या मोनेरा मोनेरा किंगडम यानी कि ये सभी क्या होते हैं ऑलमोस्ट सभी क्या होते हैं प्रोकेोटिक मोनरन्स तो सारे ही प्रोकेोटिक होते हैं ठीक है सो विच आर द दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ठीक है हर एक जगह ये प्रेजेंट होते हैं इन सॉइल वाटर एयर इन साइड अवर बॉडीज़ एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो ठीक है तो ये क्या होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट इवन एट साइड्स नो अदर लाइक फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट ठीक है तो ये हमने पढ़ रखा है पहले ही कि आर के बैक्टेरिया आर के याद है ना एक बैक्टीरियस की क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो एक टाइप के होते हैं आर के बैक्टीरिया एंड दूसरा टाइप क्या होता है यू बैक्टीरिया जिसमें से कि आर के बैक्टीरिया वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स पे यानी कि थर्मो थर्मोफिलिक जो हो होते हैं ठीक है थर्मोफिलिक मिथैनोजेंस भी होते हैं ठीक है तो ये टाइप के बैक्टीरिया हैलोफिल्स वगैरह जो सॉल्ट कॉन्टेंट ज़्यादा सॉल्ट कॉन्टेंट है वहाँ पर रह सकते हैं मतलब कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रोब्स उस तरह के ऑर्गेनिज़म हैं जो सारी जगह प्रेजेंट होते हैं इनफैक्ट ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ कोई और लाइफ फॉर्म हमें बहुत ही मुश्किल से या फिर मिलती ही नहीं है ठीक है सो so, दे साइड सचेज डीप इन साइड द गीज़र्स वहाँ पर भी मिल सकते हैं ठीक है वेदर टेम्परेचर में भी एज हाई एस्ट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर में भी ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है डीप इन दॉयल भी प्रेजेंट होते हैं द लेअर्स ऑफ स्नो विजल मीट और थिक ठीक है तो मतलब माइक्रोव ऑलमोस्ट एवरी वे ऑफ प्रजेंट होते हैं माइक्रोब्स आर वॉट दे आर डाइवर्स बैक्टीरिया फनजाई एंड माइक्रोस माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस एंड आउल तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि माइक्रोब्स के कैटेगरी में हमने किस किस की बात करनी है ठीक है हम ये कह रहे हैं माइक्रोब्स का चैप्टर पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में ठीक है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे फंजाई माइक्रोस्कोपिक एनिमल ठीक है माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्लांट के जो वायरसेस हैं ठीक है एंड वायरॉइड्स हैं जो प्रायंस इन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ठीक है ओके माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीस दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज कॉलोनीज कॉलोनीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलोनीज को हम नेक्ड नेकडाइज से देख सकते हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी को फंजाई की कॉलोनी को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं एंड सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हीं कल्चर कल्चर की इन्हीं कल्चर की हेल्प से जो लेबोरेटरी में कल्चर्स बनते हैं ना उन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स दे रखे हैं आपके एन ने तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है तो ये क्या हमें दिखा रखे हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिखा रखे हैं ये दिखा रखे हैं स्वेरिकल क्या है रॉड शेप्ड प्लस आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी मैग्निफिकेशन के हैं ये तो ये है फिफ्टीन हंड्रेड एक्स के ये भी फिफ्टीन हंड्रेड एक्स मैग्निफिकेशन के भी पूछ सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर डायग्राम शो हो रहा कर रखा है ये है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इसका प्लस मैग्निफिकेशन पावर कितनी है फिफ्टीन हंड्रेड एक्स ठीक है ऑल्सो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि माइक्रोब्स कहाँ पर प्रजेंट होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं सॉइल थर्मल वेंट्स पॉल्यूटेड वाटर और ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दैट विल बी डी ऑल ऑफ दीज ठीक है तो ये डायग्राम्स डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ स्टार्टिंग से ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कौन कौन से टाइप के माइक्रोब्स हमें पढ़ने हैं वो थे ये है ना ये सभी थे तो यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है ठीक है इस वाली लाइन से एन सी आर टी के क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन से माइक्रोब्स होते हैं प्रोटीनेशियस देखो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन जो आ सकता है वो मैं आपको बता रही हूं एन की लाइन से सो so, इनमें से प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं ठीक है सो so, जस्ट uh, अ सेकेंड यस ओके yes. सो okay. so, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा होता है गाइस प्रायन प्रायन इज आंसर ठीक है प्राय तो अभी तक क्या याद करना है कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं यहाँ पर तो बेसिकली हम दो ही दो बातें पढ़ी हैं इस वाले पैराग्राफ में कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं प्लस किस किस टाइप के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं एक और चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी जिसका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो न्यूट्रिटिव मीडियम होता है जिसपे हम बैक्टेरियाज को और फनजाई को ग्रो करते हैं वो न्यूट्रिटिव मीडियम उसको हम क्या कहते हैं तो इसका आंसर मुझे आपको देना है इन द कामेंट सेक्शन ठीक है दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया तो ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या है रॉड शिफ्ट ये रॉड बैक्टीरिया है एंड यहाँ पर इसके हमें क्या नजर आ रहे हैं फ्लैजिला ठीक है और ये फिफ्टी के जूमिंग पे हमें मिला है फिफ्टी के जूमिंग पे ठीक है इट इज वॉट अ रॉड शिफ्ट बैक्टीरियम स्ट्रोइंग फ्लैजिला ठीक है तो अब तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए कौन कौन से आ सकते हैं कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं या फिर जो माइक्रोब्स मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है माइक्रोब्स का ठीक है वो कैटेगरी क्या है प्लस मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि वो जो न्यूट्रिटिव मीडियम है जहाँ पर हम बैक्टीरिया की फन की कॉलोनी को ग्रो करते हैं वहाँ हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है अभी मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट डायग्राम्स को देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये क्या है ये है एक बैक्टेरियो फ़ाज क्या है ये है एक बैक्टेरियो फाज ठीक है ये क्या है ये है एडीनो वायरस ठीक है तो यहाँ से कोर्स क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो ये क्या है एडिनो वायरस आपको क्या दिया जा सकता है आपको हो सकता है फिगर दे दें या फिर आपको नेम दे दें फिगर आइडेंटिफाई करना हो ठीक है या फिर आपको फ़िगर दे दें नेम आइडेंटिफाई करना हो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आ जाइए और ये है एडिनो ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट है एडिनो वायरस क्या कर सकता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर देता है ये क्या है हमारे पास ये है रॉन्ड शेप्ड वायरस टबाकू मुजैक वायरस टबाकू मोजैक वायरस ठीक है और यहाँ कितनी मैग्नीफ़िकेशन का है अबाउट हंड्रेड थाउजेंड टू वन फिफ्टी थाउजेंड एक्स और सिंपली यू कैन से टाइम्स ठीक है तो ये आपको हमेशा याद रखने हैं ठीक है ठीके? फिगर कभी भी भूलने नहीं हैं जितने भी फिगर से गो थ्रू करवा रही हूँ अब देखो ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फिंगर टिप्स में ठीक है वहाँ फिंगर टिप्स में भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको मतलब जितनी भी आपके पास और भी हैं बुक्स एन जो एन की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन में से क्वेश्चन हैं ठीक है ठीके? तो ये देखिए वहां आपको फिगर मिल जाएगा ये कह रखा है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सी आ, कौन सी चीज को यहां पर ये डिनोट कर रहा है तो आई एम टेलिंग यू हियर इट्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग बैक्टीरियल कॉलोनी ठीक है कॉलोनी एंड ये क्या है फंगल कॉलोनी ठीक है क्या है फंगल कॉलोनी तो ये आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं स्कूल के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं तो चैप्टर एट में आपने क्या पढ़ा था कि माइक्रोब्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्या कर देते हैं डिजीजेस करते हैं ह्यूमन बींग्स में दे ऑल्सो कॉजिज डिजीज इन एनिमल्स में प्लांट्स में ह्यूमन्स में मतलब ये बहुत डिजीजेस कॉज करते हैं लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि माइक्रोब्स हमेशा डिजीज ही कोस करते हैं ठीक है देखो हमेशा ना हमें एक चीज़ पढ़ के एक पॉइंट पढ़ के उसका किसी भी चीज़ का एक पॉइंट पढ़ के कभी भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए ठीक है तो वी हैव टू स्टडी द लिस्ट ऑफ पॉइंट्स ठीक है सभी पॉइंट या फिर हम इतने बड़े किंगडम पूरे किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये सभी ख़राब चीज़ें होती हैं मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए या बिल्कुल अच्छी नहीं होती ऐसा नहीं है ठीक है वहाँ हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था यहाँ हम उनके अच्छे वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ हमने इल इफेक्ट्स पढ़े थे ठीक है सो so, एक पॉइंट को देख के एक ड्रॉबैक को देख के हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये चीज़ गलत है ठीक है सो so, हमें उसके एक पर्टिकुलर चीज़ के एडवांटेजेस की लिस्ट भी देखनी चाहिए और डिसएडवांटेजेस की भी लिस्ट देखनी चाहिए सो लेट्स स्टडी द माइक्रोब्स एंड योर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो सबसे पहले सबसे पहले कॉमन एग्जाम्पल क्या है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क कर्ड कहाँ से बनती है मिल्क से बनती है चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है लेक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट करते हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं इलेक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो मिल्क में ग्रो करते हैं एंड कन्वर्ट द मिल्क टू कर्ड ठीक है ग्रोथ के दौरान ये बैक्टीरिया क्या करेंगे देखो लैब लिख रखा है ना लैब मीन्स लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया ठीक है लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि मिल्क को एगुलेट कर देगा और पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा किसको मिल्क प्रोटीन्स को एक थोड़ी सी देखो कभी भी क्या करती हैं जब दही जमाती हैं क्या करती हैं अप्रॉक्सीमेटली वहाँ मतलब ट्रिकुला सा दूध होता है ना वो गर्म होता है ना ठंडा होता है इट्स लाइक like गुनगुना गुनगुना जिसको हम बोलते हैं ना तो गुनगुना सा होता है दूध अराउंड फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ठीक है तो उस टेम्परेचर पे ठीक है जो मतलब इट्स लाइक कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है इनाक्यूलम ऐड करते हैं ठीक है यानी कि थोड़ी सी कर्ड जिसको हम स्टार्टर कहते हैं ठीक है स्टार्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि सूटेबल टेम्परेचर यानी कि फोर्टी डिग्री सेल्सियस दे मल्टीप्लाई अराउंड फोर्टी डिग्री सेल्सियस दे मल्टीप्लाई एंड दस कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड विच ऑल्सो तो इम्प्रूवज इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन बी ट्वेल्व इन अवर स्टमक टू इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टमक में क्या करेंगे लैब lactic एसिड bacteria प्ले वेरी beneficial रोल इन चेकिंग डिजीज causing microbes तो देखिए पैराग्राफ एक है लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे इस पैराग्राफ में से बन सकते हैं तो चलिए क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं वो मैं हाईलाइट करा देती हूँ हर एक पॉइंट पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे तो माइक्रो ऑर्गैनिजम जो कि इलेक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले तो हमें याद रखना लैक्टिक एसिड बैक्टेरिया ठीक है जो कि मिल्क में ग्रो करते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है ओके वर्दे डू ड्यूरिंग ग्रोथ ये कोगुलेट कर देते हैं और पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं मिल्क प्रोटीन्स को ठीक है और हम क्या करेंगे जो इनोक्युलम होता है ये लिखना सिर्फ है सिर्फ इनोक्युलम कंटेन मिलियंस ऑफ लैब यानी कि इलेक्टिक एसिड बैक्टीरिया ठीक है प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी मेंटेन करते हैं बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनल क्वालिटी कर देते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं यानी कि कर्ड में मिल्क से ज़्यादा विटामिन बी ट्वेल्व प्रजेंट होती है विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है प्लस लास्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है हमारे स्टमक में भी लै प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल ओके हमारे स्टमक में भी क्या करते हैं इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ठीक है तो ये हमने क्या कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए सभी इस वाले टॉपिक में से माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के यहाँ तक यहाँ तक इस वाले पैराग्राफ तक नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड्स अब डो क्या होता है आटा ठीक है तो वो आटा जो कि हम जैसे फूड जैसे डोसा इडली ये सब जो ये इनका जो आटा बनता है ना वो फर्मेंटेड होता है बैक्टीरिया से चलो इस पैराग्राफ से पहले मुझे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इनके आंसर देने हैं आपको चलिए तो जो इनोक्युलम हम ऐड करते हैं फ्रेश मिल्क में वो आ, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं ठीक है पर यहाँ पर ये यह जो टर्म इनोक्युलम है ओके यहाँ पर ये जो टर्म इनोक्यूलम है इसका मतलब क्या है लेट्स गिव मी सम ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज अ स्टार्टर रिच इन विटामिन बी ट्वेल्व सेकेंड इज अटर स्टार्टर रिच इन प्रोटीन्स थर्ड इज अटार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ एल ए यानी कि लेक्टिक एसिड बैक्टेरिया एंड फोर्थ पॉइंट इज एन एरो डाइचेस्टर एंड एरोबिक डाइचेस्टर मतलब एनारोबिक नहीं कहा मैंने मैंने कहा है एंड एरोबिक ठीक है मतलब एरोबिक कंडीशन की बात करिए तो इसका आंसर क्या होगा आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन आंसर विल बी अ स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैब दिस इज वॉट स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैब तो यहीं से कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया था स्टार्टर रिच इन विटामिन बी ट्वेल्व हो सकता है वो उस पर इस पर कन टिक कर दें इस वाले ऑप्शन पे लेकिन गाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चंस कंफ्यूज़ करते हैं एन ने साफ साफ कहा है कि इट इज़ द स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लेक्टिक एसिड बैक्टेरिया ठीक है अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन ठीक होता लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में ये है तो यही ऑप्शन आपको मार्क करना है ठीक है तो हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे जल्दी से यहाँ फ्लो चार्ट बनाते हैं क्या क्या होता है सबसे पहले मिल्क कर्ड के साथ इनक्यूबेट होता है तो लिखेंगे सभी मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट इज मिल्क इज इनक्यूबेटेड विद कर्ड पूरे पैराग्राफ को हम इस फ्लो चार्ट से कंप्लीट कर लेंगे मिल्क इस इंक्यूबेटेड विद कर्ड हो सकता है मुझे रब करना पड़ जाए तो आप साथ साथ लिखते रहना ठीक है इसके बाद हमें क्या लिखना है ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ठीक है कर्ड के साथ मिल्क को इंक्यूबेट कर दिया फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे और लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे तो किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी ये भी ध्यान रखना प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड सिंपल भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया खाए तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी ठीक है उसके बाद क्या होगा अब यहां से मैं रब कर रही हूं जल्दी से नोट कर लो ठीक है इसके बाद क्या होगा लैक्टिक एसिड के बढ़ने से क्वालिटी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ड्यू टू ऑफ मिल्क भी कह सकते हो या फिर ड्यू टू इंक्रीज अब क्या इंक्रीज हुई थी जल्दी से बताओगे ड्यू टू इंक्रीज रॉड जल्दी बता दो मुझे यस विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व इंक्रीज हुई थी राइट right? तो विटामिन बी ट्वेल्व के इंक्रीज होने से न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो गई कोएगुलेशन अब क्या हो गया यहाँ पर कोएगुलेशन एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स ठीक है तो ये हमने पूरा पैराग्राफ इस छोटे से फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर लिया है हर एक क्वेश्चन का यहां पर मैंने आपको आंसर भी दे दिया क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड की किस चीज की कोएगुलेशन और डाइजेशन होगी मिल्क प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी ठीक है न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट on अब हम इडली डोसा के आटे के बारे में बातें कर लेते हैं ठीक है वो भी बैक्टीरिया से ही फर्मेंटेड होते हैं ठीक है इडली डोसा का जो आटा होता है ना वो बैक्टीरिया के द्वारा ही फर्मेंट किया जाता है क्लियर द पफ डप अपीयरेंस जो पफ डप अपीयरेंस होती है वो क्यों होती है क्योंकि वहाँ क्या है प्रेजेंट है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर प्रेजेंट है क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट होता है

ठीक है तो इस इस हम फंजाई को क्या बोलते हैं इस फंजाई यानी ही कि यीस्ट को क्या है यीस्ट है तो इसको हम बोलते हैं बेकर सीस्ट तो देखिए डो की जो पफ डॉप अपियरेंस होती है किस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर सी ओ टू प्रोडक्शन ऑफ सी ओ टू गैस होती है यानी कि सी ओ टू गैस की वजह से पफड अपियरेंस प्रेजेंट होती है ठीक है अब हमारे पास मैंने क्या कहा कि जो ब्रेड वाला ब्रेड बनता है ब्रेड भी कैसे बनेगा बेकर सीज के थ्रू सेक्रोमाइसिस नंबर ऑफ़ ट्रेडिशनल ड्रिंक एक और पॉइंट आ गया अभी मैंने क्या बताया डोसा इडली आटे डोसा और इडली के आटे के बारे में बताया ठीक है फिर ब्रेड के बारे में बताया कौन सी फंजाई होती है नाउ कमिंग ऑन टू सम नंबर ऑफ़ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाई माइक्रोव्स एग्जाम्पल दे रखा है टोडी टोडी क्या है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउदर्न इंडिया सउदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में ली जाती है ये कैसे बनती है फरमेंटिक्राम पाम्स दिस मेंल्सो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो टोडी है ठीक है जो टोडी है हमारे पास पहली बार तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि टोडी क्या है तो इतने इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन एस एस टी में पूछे जाते हैं तो टोडी क्या है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है कुछ पार्ट की साउदर्न इंडिया की इस पर इतना ध्यान नहीं देना लेकिन हाँ आपको याद रखना है साउथर्न इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है प्लस आपको इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो है ये कि ये कैसे बनेगी फर्मेंटिक एप पाम्स माइक्रोवेवस आर ऑल्सो तो यूज टू फर्मेंट फिश सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड ठीक है चीज़ क्या है ओल्डेस्ट फूड आइटम है जहां पर माइक्रोब्स यूज होते हैं डिफरेंट वेराइटीज चीज़ की है हमारे पास किस वजह से उनके टेक्स्चर से फ्लेवर और टेस्ट से ठीक है स्पेसिफिटी कहाँ से आती है कौन सा हमने माइक्रोब यूज़ करा है उससे स्पेसिफिटी आ जाती है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्विस चीज़ में स्विस चीज़ में क्या होता है लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं है ना स्विस चीज़ आपने देखी होगी वहाँ पर लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं क्यों होते हैं देखो आटे की पब्ड अप क्यों होती है सी की प्रेजेंस की वजह से ठीक है यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ बड़े बड़े होल्स होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि है? क्यों यहाँ सी ओ गैस की लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होती है क्लियर Now, अब कौन से बैक्टीरियम से यह भी याद रखना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ठीक है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ये तीनों पॉइंट जो तो मैंने यहाँ मार करी है वो आपको याद होने चाहिए नेक्स्ट पॉइंट एक और पॉइंट इसी पैराग्राफ में से याद रखेंगे हम द रॉक फॉर चीज रॉक फॉर चीज चलिए जस्ट अ सेकेंड रॉक फोर चीज़ की अगर मैं बात करूँ सो दे आर राइप एंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम विच गिव दैम अ पर्टिकुलर फ्लेवर यानी कि ये भी फंजाई की हेल्प से ग्रो करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि स्विस चीज़ में क्या होते हैं लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं कौन से माइक्रोब की वजह से बैक्टेरिया फंजाई प्रायऑन वगैरह एग्जाम्प ऑप्शन में दे, दे देंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ करना है बेक्टेरिया. फिर वहाँ या फिर आपसे नाम भी पूछ सकते हो तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपियोनी बैक्टेरियम शर्मानी प्रोपियोनी बैक्टेरियम शर्मानी नेक्स्ट यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ टू गैस प्रेजेंट होती है इसी की वजह से यहाँ लार्ज लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं रॉक फोर्ड चीज जो है वो कहाँ से रक्टपन होती है फनजाई ये मैंने क्या बताया बैक्टेरियम ये क्या बताया फन क्लियर क्लियर एवरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं ठीक है अब यहाँ पर माइक्रोब्स की इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन माइक्रोब्स को वेरी मतलब लार्ज लार्ज वेसल्स में बनाना है बड़े बड़े वेसल्स में बनाना पड़ेगा पड़े ना लार्ज स्केल पे चाहिए माइक्रोब्स अगर हम माइक्रोव से अगर मैं कुछ किसी भी चीज़ से मैं कुछ बना रही हूँ वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे तो थोड़ी सी ऐसा तो है नहीं कि मैं घर की सब्जी बना रही हूँ इस तरीके से है ना तो इंडस्ट्रियल लेवल पे है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ तो हमें बड़े बड़े वेसल्स चाहिए ठीक है ठीके? जो कि जिनको हम क्या बोलते है? फर तो फर हैं फरमेंटर्स तो देखिए फरमेंटर्स दिखा रखे हैं एन में ठीक है दीज आर वॉट दीज आर फरमेंटर्स ठीक है ये क्या है फरमेंटर्स हैं अच्छे से देख लो फिगर फर्मेंटेड बेवरेज माइक्रोव स्पेशलीज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेज लाइक वाइन बियर विस्की ब्रैंडी और राम ठीक है तो ये क्या है टाइप ऑफ एल्कोहल्स है एल्कोहल के टाइप्स हैं ठीक है अब देखो इस परपजस के लिए भी वही ही सैक्रोमाइसिस से जो कि ब्रेड मेकिंग में काम आई थी वही तो यहाँ इसको क्या कहा जाता है बेसिकली ब्रूअर्स यीज

अपनी बुक्स में ठीक है तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ऐसे ही हम मार्क नहीं कर रहे हैं याद रहने चाहिए आपको ये वाले पॉइंट्स ठीक है तो जितनी भी मैंने लाइन्स आपको अभी तक हाईलाइट करवाई हैं ये आपकी बुक में भी हाईलाइट होनी चाहिए ठीक है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ठीक है इस चीज़ के टाइप पे विद और विदाउट डिस्टिलेशन देखो प्रोसेसिंग के टाइप के यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोसेसिंग के कितने टाइप होते हैं मतलब बेसिकली दो ही होते तो हैं विद डिस्टिलेशन विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन दो ही तरीके से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया है देखो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं अब यहाँ पर मेरे पास एन सी आर टी का वन शॉर्ट सेशन है वो भी एन सी आर टी रीडिंग तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ बाकी अलग अलग जब हम जैसे पोटैटो यूज़ करेंगे तो अलग अल्कोहल बन गई अलग अलग अगर मैं ग्लूकोज का सोर्स यूज़ करूँगी तो अलग अलग हमारे पास एल्कोहल की प्रोडक्शन होगी वाइन और बियर क्या है ये विदाउट डिस्टिलेशन है। कि हमें एग्जाम्पल याद रखना है विदाउट डिस्टिलेशन बनती है और हम ये भी याद रख सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन लो अल्कोहल कॉन्टेंट होता है विस्की ब्रांडी रम ठीक है ये सभी क्या है डिस्टिलेशन बनते हैं एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मार्क करना है वो है कि एंटी का मीन्स क्या होता है ग्रीक वर्ड एंटी का मीन्स होता है अगेंस्ट ठीक है क्या मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ ठीक है अगेंस्ट लाइफ और यह भी याद हाँ रखना कि यह डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है ना कि ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर प्रो लाइफ होता है प्रो लाइफ प्रो लाइफ यानी कि प्रो लाइफ यानी कि जो कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए अच्छी है ठीक है सो यहां पर यह इट इज़ नॉट लाइक कि भाई अगेंस्ट द लाइफ है ह्यूमन्स के लिए ठीक है सो एंटीबायोटिक्स क्या है एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटांसिस विच आर प्रोड्यूसड बाई सम माइक्रोव्स एंड कैन किल और रिटार द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कोजिंग माइक्रोव्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कुछ माइक्रोव्स बनाते हैं मतलब ठीक है कुछ बनाएंगे और माइक्रोव देखो किसी मान लो पेनेसिलिन की अगर मैं बात करूँ तो पेनीसिलेम नोटाटम ठीक है एक फंजाई ने बना दिया पैनिसलियम ने तो ये क्या कर रहा है दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है तो ये वाले पॉइंट्स आपकी बुक में मार्क होने चाहिए तो एलेक्जेंडर फ्लैमिंग थे वो जिन्होंने स्टेफिलोकॉके बैक्टीरिया पर जो काम कर रहे थे अब उन्होंने पता क्या किया अनवॉश्ड कल्चर पे वो काम करने लगे अच्छे से वो साफ़ नहीं करा था वो कल्चर सैनिटाइज था नहीं फिर उन्होंने क्या किया स्टैफिलोकॉकी जब दोबारा ग्रो करने लगे तो वो ग्रो नहीं हो पाया तो उन्होंने चेक करा कि यहाँ एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है पेनिसिल मतलब उन्होंने नाम रख दिया पेनिसिलिन क्योंकि वो किसकी वजह से हुआ था पैनिसलियम नोटाटम फनजाई की वजह से एक ऐसा एक ऐसा Uh, मतलब हमारे पास एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हुआ है जो कि उस मोल्ड uh, हमारे पास जो स्टेफिलो का जो कल्चर हमें ग्रो करना था वो उसको ग्रो नहीं करने दे रहा उस मोल्ड ने एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर दिया जिसको उन्होंने नाम दे दिया पैनिसिलिन ये याद हमें रखना है पेनिसलियम नोटैटम स्टेफिलोकॉकी पेनिसलिन एंड अलेक्जेंडर फ्लैमिंग प्लस हमें पॉइंट्स के याद रखने हैंस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे इन दोनों ने अर्नस चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने क्या किया था इट्स फुल पोटेंशियल एज एन एफेक्टिव एंटीबायोटिक बायोटिक वॉज इस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाई दीज टू साइंटिस्ट और इन तीनों को ही वर्ल्ड वॉर टू के बाद ठीक है वर्ल्ड वॉर टू में तो बहुत काम आई थी हमारे पास एंटी बायोटिक ठीक है जो uh, अमेरिकन सोल्जर्स थे उनकी बहुत हद तक इन्हों इसने हेल्प करी है ठीक है सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद फ्लैमिंग चेन ऑफ फ्लोरे को नोबल प्राइज मिला था इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव फॉर दिस डिस्कवरी ठीक है सो यहाँ तक पॉइंट्स मार्क कर लिए लेट्स कम ऑन टू दिस पैराग्राफ केमिकल्स एनजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स माइक्रोव्स अब देखिए यहाँ पर माइक्रोब्स कमर्शियल प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन की अब मैं बात करूंगी एग्जांपल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट मार्क करना यहाँ पर तो कुछ कंसेशन है ही नहीं एस्पैर एस्पायरज नाइगर क्या है एक फंगस है ये क्या प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड मेरे साथ रिपीट करेंगे नाइगर अ फंगस दैट इज प्रोड्यूसिंग सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरियम है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है जो एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ठीक है एंड ही सरवेसी इथेनॉल की कमर्शियल प्रोडक्शन में काम आती है इथेनॉल की कमर्शियल प्रोडक्शन में ठीक है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए भी हम माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चलिए एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको लाइपेसिस आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन क्यों भाई लाइपेसिस को हम डिटर्जेंट फार्मुलेशन में क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर देती हैं ठीक है लॉन्ड्री से ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर देती हैं ठीक है अब ये देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो बॉटल फ्रूट जूसेस होते हैं ना जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू जो हम घर पे बनाते हैं तो वो क्यों क्लियर होते हैं क्यों साफ़ सुथरे दिखते हैं क्योंकि वो क्लैरिफाइड करे जाते हैं बाय द यूज ऑफ पैक्टाइस एंड प्रोटीस ठीक है ये एंजाइम्स हैं इनके यूज से इनको क्लियर करा जाता है क्लैरिफाई करा जाता है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें मार्क करना है स्टेप्टोकाइनस के बारे में जो कि स्टेप्टोकोकस बैक्टेरिया स्टेप्टोकाइनस प्रोड्यूस बाई स्टेप्टोकॉकस एंड मॉडिफाइड बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज फॉर अ क्लॉट बस्टर क्लॉट बस्टर एज अ क्लॉस्ट बस्टर इसको यूज करा जाता है फॉर रिमूविंग क्लॉट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल से क्लॉट रिमूव करे जाते हैं ऑफ patients who हैव undergone myocardial infarction leading लीडिंग टू हार्ट अटैक तो ये पॉइंट्स इस वाले पैराग्राफ से आप मार्क कर लो इसके अलावा एक भी वर्ड आपको मार्क नहीं करना ठीक है तो सबसे पहले जल्दी से रिपीट करिए मेरे साथ एस्पैरजिल नाइगर एक फंगस है जो किसिटिक एसिड प्रोडक्शन कर रही है एसिटोबैक्टर एसिटा एक बैक्टेरियम है जो कि एसिटिक एसिड आसेट प्रोड्यूस कर रहा है क्लास्टी क्लास्ट्रेडियम क्या कर रहा है एक बैक्टीरिया में जो कि बिटाइरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है लेक्टोबैसेल लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है फिर मैंने बताया आपको कि लाइप एसिड डिटर्जेंट फॉर्मूलेशन में काम आते हैं ऑयल स्टेन्स को रिमूव करते हैं एंड देन सेप्टोकाइननेस के बारे में मैंने आपको बताया नाउ टॉकिंग अबाउट साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज़ यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना जिन पेशेंट्स में वहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए को यूज़ करा जाता है एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्योंकि उस टाइम पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो बाहर वाले जो किसी और की बॉडी का जो ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता ठीक है और ये कौन सी फंगस बनाती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ठीक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाउ स्टेटिन प्रोड्यूस्ड बाय द हीस मोनास्क परप्यूरिस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट अब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर कैसे करती है क्योंकि ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करेगी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन मैंने आपको बायो मोलिक्यूल्स की एंजाइम्स वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ा रखा है कि ये क्या होता है क्लियर नाउ हमने आज की क्लास में देखो अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए वो हाउस होल्ड प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करता है और इंडस्ट्रियल स्केल पे नेक्स्ट क्लास में आपको सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज़ बता दूंगी और बायोगैस प्रोडक्शन में ठीक है बायोगैस प्रोडक्शन में एंड एट लास्ट हमें क्या करना होगा बायो कंट्रोल एजेंस जो कि बहुत ही सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाय बाय